ईद पूजा दशहरा के जोड़ में ईद मिलाद की भी तमाम रियासती कर्नाटक के आदमियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद पूजा और दशहरा का मैं पूरे कर्नाटक के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये AGM इंटरप्राइजेस मेरा एक कंपनी है। ये कंपनी की तरफ से आप सभी आदमियों को, कर्नाटक के आदमियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसा एक पब्लिक नहीं जमा था दशहरे को रंदे, एक क्या भी एक इसे रंदे कि वो तो कोविड था। आज पूरे हिंदुस्तान से आदमियाँ मैसूर में एक दशहरा तो एक गूंग गीत करके पूरे जने एक आती। मैं एक अपील क्या करता हूँ तो पब्लिक से, दशहरे के टेम्पो कमिश्नर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट साहब, पूरी एक अच्छी एक यूनिटी से कर ले जाको ही। ऐसा उन्हों क्यों हमना पुलिस सब भी साथ दे को पब्लिक को वेट कर रही है, ऐसा आदमियाँ भी समझ को उनको कोऑपरेट कर ले को एक अच्छी एक ईद है जोरों शान से एक होना को मैं बोलना चाहता हूँ। सर खुसूसन शहर मैसूर में ये जो है पूरे मिलकर मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मिलकर जो है दशहरा मनाती। हाँ, तो इससे पूरे अवाम को एकजहती, अभी हर जगह जो है पूरे भारत में हिंदू मुसलमान को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही है, हमारा दशहरा उसके लिए क्या ये मिसाल होता है? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, हिंदू मुसलमान कर को वो कौन बोलते हैं, उन्हें बहुत बड़ा बेखौफ। ये जो ईद है हिंदू मुसलमान क्राइस्ट सब मिल को करने की एक ईद है। एक मैसूर एक इतिहास में लिखो ऐसो एक शहर एक है। ये शहर के अंदर क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्ला अले यहाँ पैदा हो कोई सो ऐसा के मैसूर का महाराजा, क्योंकि ये बारे में हिंदू मुसलमान डिविडेंड रूल सिट नहीं आता, क्योंकि तो सब हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हो को एक अच्छी ईद करना। और को मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहता हूँ, रियासत कर्नाटक के आदमियों को भी मैं अपील करना चाहता हूँ। आप ये खुद एक नौजवान होने के नाते जिस तरह दशहरा करीब आता है बहुत सारे रास्तों को जो है मरम्मत करते हैं, रास्ते जो है ठीक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ठीक होती हैं, जैसे ही दशहरा ख़त्म होता है उस पर नज़र ही नहीं हटती, सिर्फ 10 या 15 दिन के वास्ते रास्ते अच्छे रहते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाती है। तो ये जो है कहाँ जाकर म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन हो या जो भी जिम्मेदार कॉरपोरेटर हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो दशहरा आ रहा, उन्होंने एक फंड देती हमें रोडा ठीक कर दल को आदमियों को खुश करने का नहीं करना जी। कभी भी मैसूर एक क्लीन सिटी कर को है सो, ये मैसूर एक शहर पाक गिनीस रिकॉर्ड में पाक कर को है सो, कभी भी हर हमेशा हर दिन जो जो उनके वाड़ा ही उन्होंने ऐसा अच्छी एक प्रेजर डालो कॉरपोरेशन कमिश्नर को ए सी को उनको सभी एक अच्छी एक हालत से एक मैसूर एक बहुत अच्छा गांव है और आगे भी आना है और पीछे भी आना है। और क्योंकि रियासत मैसूर तो इतना एक क्लीन सिटी है कर को एक गिनीस रिकॉर्ड हो को है, ये पूरा प्रेजर कॉरपोरेशन वाले डालना, रियासत कर्नाटक की गवर्नमेंट को डालना और मैसूर का मेयर को डालना, पूरे को एक प्रेजर ले ले आपको एक अच्छा काम करना को मैं बोलना चाहता हूँ। ओके सर, एक आखिरी सवाल है, किस तरह आपको जो है आपका ताल्लुक JDS से है, किस तरह रियासत कर्नाटक में आने वाले इंतखाबात में JDS को जो है बरसर इख्तदार यानी कि पूरी जो है मेजॉरिटी के साथ JDS अपनी हुकूमत कर सकती क्या अब है इसके? अब क्योंगा तो पहले JDS में जरा मुसलमान लीडर करके कौन मिले थे, आज CM इब्राहिम राज्य अध्यक्ष रोनो राज्य के एक बहुत बड़ा पैगाम संभालने आ को ही उन्हों, क्योंकि उनकी एक बातचीत से हमारे कुमाराना के कामान से आज हिजाब के बारे में कौन भी इसके अंदर विधानसभा के अंदर बात कर को नहीं, बाहर बात कर को ही आज एक कुमाराना जो वहाँ उठको जो बात कर को ही रियासत कर्नाटक में मुसलमान का एक दिल खुश कर को ही एक सर्व जनांगना शांति या तोटा कर को वैसे काम अच्छे से अच्छा कर पाए उन्होंने, क्योंकि रियासत कर्नाटक में नेक्स्ट 100% कुमाराना CM होने के नाते डाउटिश नहीं है। अच्छा सर, आप खुद भी जो है क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन होता है क्या उसमें आप हिस्सा लेंगे, आप जो है एक रहनुमा एक रहबर एक उम्मीदवार बनकर आएंगे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें जो वार्ड तय कर को रही वो वार्ड के अंदर हमारे सरपरस्त आदमियाँ बड़े आदमियाँ ही मजीदा के इदारे ही क्रिश्चन के फादर आ ही देवाला के पुजारियाँ ही और
आम आदमी है ना, वो पहले थे ना उन्हों क्या कर को ही, अब इन्हों क्या भी नहीं सो क्या कर को ही, ये पूरा बैठ को एक फैसला कर को सामने को एक अच्छा डिसीशन ले लेको, बड़े और वार्ड के अंदर वो क्या बोलती हैं वो सुन ले को, मेरा सामने का आपको सुनाता हूँ। नहीं, आपका खुद आपका जाती इरादा क्या है यहाँ पे? मैं क्या भी नहीं, मैं 101% मैं एक इरादा करको हूँ, वो इरादा मैं बड़े अंगने रखो हूँ। अब उन्हों बड़े मुझे क्या फैसला करके बोलती, मैं उसके ऊपर चलना, मैं चलना इतना, मैं एक मामूली एक कार्यकर्ता हूँ जेडीएस में, ऐसा मैं कर ले को रखता हूँ।